नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अमृतसर से फिर आई चौंकाने वाली खबर, देख के होश उड़ जाएंगे आपके। अमृतसर में दशहरा पर्व के दौरान एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। रेलवे ट्रैक के पास रामलीला के दौरान स्थानीय लोग रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देख रहे लोग रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे। और इसी दौरान तेज रफ्तार से आती हुई एक ट्रेन के चपेट में आने से 60 लोगों से अधिक की जान चली गई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में रेलवे से काफी नाराजगी दिख रही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। दरअसल अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे की पटरी की एक दर्जन से अधिक कुंडे खुले मिले। ट्रेन की पटरी से अलग हुए कुंडों को देखा गया तो इसकी जानकारी स्थानीय जीआरपीएफ के अधिकारियों को दी गई। ऐसा मालूम होता है कि ट्रैक पर एक बार फिर से खूनी खेल की योजना थी। शरारती तत्वों द्वारा पटरी से निकाले गए कुंडों पर नजर नहीं जाती और पटरी पर ट्रेन चली जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ की टीम ने पटरी की जांच की तो करीब 200 मीटर के दायरे में लगभग एक दर्जन कुंडे निकाल दिए गए थे। इससे पटरी ढीली हो गई थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुंडों को हाथ से निकालना आसान नहीं है, इसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है। आरपीएफ और पुलिस की तरफ से कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दे दी गई है। इस पटरी पर पिछले 45 घंटे से यातायात ठप है। स्थानीय लोग इस ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलने दे रहे हैं।